मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2020 के आयोजन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इस बार 22 से 28 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन के लिए मंडी जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर शिवरात्रि महोत्सव समिति की आम सभा की बैठक हुई। उपायुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया और महोत्सव के सफल आयोजन के लिए अपने सुझाव दिए। मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2020 के आयोजन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इस बार 22 से 28 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन के लिए मंडी जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर शिवरात्रि महोत्सव समिति की आम सभा की बैठक हुई। उपायुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया और महोत्सव के सफल आयोजन के लिए अपने सुझाव दिए। इस दौरान महोत्सव की आय के साधन बढ़ाने और खर्चे घटाने के उपायों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव की आय के साधन बढ़ाने को प्रशासन सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। प्रशासन इस बार मेले के आयोजन से जुड़े काम खुद अपने हाथ में लेने की सोच रहा है। काबिले गौर है कि मेले के आयोजन को लेकर पड्डल मैदान की बोली पिछली बार के मुकाबले कम जाने की स्थिति में प्रशासन प्राइवेट वेंडर्स को ठेका देने के बजाय आयोजन से जुड़े काम अपने हाथ में लेने का विकल्प अपना सकता है। उपायुक्त ने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव के दौरान 22, 25 और 28 फरवरी को शहर में भव्य जेलब निकाली जाएंगी। इनमें देवी देवताओं के साथ बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। मेले के सफल आयोजन के लिए उप समितियां बनाई गई हैं। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि महोत्सव के दौरान पड्डल में 6 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 3 संध्याएं विशेष तौर पर हिमाचली कलाकारों के लिए रहेंगी। इनमें हिमाचल के नामचीन कलाकारों के साथ साथ स्थानीय व नवोदित कलाकारों को मौका दिया जाएगा। अन्य 3 संध्याएं बॉलीवुड व बाहर के अन्य कलाकारों के लिए रहेंगी। उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2020 के आयोजन को यादगार बनाने और इसमें नयापन लाने को लेकर इनोवेटिव आइडिया साझा करने और सुझाव देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2020 का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसमें आप लोग भी, आप में से भी सभी लोग किसी न किसी सब कमेटी में मेंबर्स हैं, तो उसमें भी आप अपना सहयोग देंगे, इसमें मुझे पूरी अपेक्षा है। और ये शिवरात्रि मेला हम कैसे अच्छा मना पाए, इसमें हमने कोई आज कोई नई चीज इनिशिएटिव या कुछ नयापन इसे करने की आज चर्चा हमने नहीं की, तो ये भी मैं आमंत्रित करूंगा आपके माध्यम से कि आप क्या कर इस तरह के सुझाव हैं इस विषय में कि हम डिफरेंट क्या कर सकते हैं, क्या अट्रैक्टिव इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, क्योंकि वही चीज बार बार करना डजंट हैव दैट इंपैक्ट। तो नई चीज हम करें, इसके लिए भी मैं आप सभी से यहाँ पर जो उपस्थित है आपसे सुझाव मांगता हूँ। प्रेस के हमारे साथी भी है, इनके माध्यम से भी मंडी जिला के सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अपने सुझाव इसमें दें कि हम नई क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्या कर सकते हैं, शिवरात्रि को और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। एंड होपफुल कि सबके सहयोग के साथ वी विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल 2020 शिवरात्रि। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु, IAS प्रोबेशनर अजय यादव के अलावा सर्व देवता समाज के प्रधान शिवपाल शर्मा, व्यापार मंडल मंडी के अध्यक्ष राजेश महेंद्र सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि व समिति के गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।